आम के पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। परसवाड़ा थाना अंतर्गत बीजा टोला कुमन गांव में एक आम के पेड़ पर युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। विभागीय जानकारी अनुसार मृतक प्रकाश बोरीकर पिता श्रीराम बोरीकर उम्र 26 वर्ष निवासी बीजा टोला कुमन गांव बताया जा रहा है। रविवार सुबह परसवाड़ा पुलिस द्वारा आम के पेड़ से शव उतार कर पंचनामा कार्रवाई कर मर्ग कायम करते हुए शव का पोस्टमार्टम कर पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले में मृतक प्रकाश के परिजनों का कहना है कि शनिवार रात्रि तकरीबन 10:30 बजे जब प्रकाश गाड़ी चलाकर बालाघाट से लौटा तो उसने शराब पिया हुआ था, जिसके पश्चात उसने अपनी पत्नी से कुछ पैसे की मांग की। पत्नी ने मना करने पर घर पर रखे संदूक से कुछ पैसे निकाल लिए, जिसके पश्चात पैसे की मांग करने लगा। पत्नी के समझाने के बावजूद वह पैसों की मांग के लिए विवाद करने लगा, जिसके पश्चात वह कुछ देर बाद गुस्से में आकर ही चौपहिया मेटाडोर वाहन से घर से निकला और कुमन गांव के अपने ही खेत में आम के पेड़ पर रस्सी से लटक कर अपनी जान दे दी। परिजनों का कहना है कि रस्सी से लटकने के पूर्व उसने अपने चाचा अनिल बोरीकर को फोन कर सूचना दी थी कि वह रस्सी से लटक कर अपनी जान दे रहा है, जिसके पश्चात घर के सभी सदस्य उसे बचाने के लिए खेत की ओर भागे। जब तक उसे वह बचा पाते उससे अपने जीवन लीला समाप्त कर लिया था। प्रकाश वाहन चालक था, जो वाहन चलाकर गुजर बसर करता था। मृतक के घर पर माता पिता, छोटा भाई, पत्नी और एक 3 माह का बच्चा है। उक्त घटना से परिजन सदमे में है। परसवाड़ा से नरेंद्र पप्पू शरणागत के साथ हर्ष पांडे। कहाँ रहते? बीजा टोला को मिला। क्या हुआ था, कैसी घटना हुई थी? 9:30 बजे की बात है कि भैया शराब पी के आए थे और भाभी से पैसे मांग रहे। पैसे मांग रहे थे, भाभी ने अलमारी की चाबी दी पैसे लिए, और पैसे चाहिए थे, अलमारी में पैसे नहीं थे। इसी बात पर उनको थोड़ा गुस्सा आ गया और उस कारण वो गाड़ी उठा के चले। मैंने उनको पीछे किया और समय पर उनका डेथ हो गया। कहाँ पर डेथ हुई थी? हमारी से मर रहे थे कामाबाद। कैसे डेथ हुई उनकी? उनने फांसी लगा ली। कोई ज़्यादा झगड़ा हुआ था घर पर? घर पर कोई झगड़ा नहीं हुआ।